अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। अच्छा, हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को शुरू करना है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का भी जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए जो इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ओरिजिन क्या है। जब भी आप कोई लॉ पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले कोशिश किया करें कि उस लॉ की जो है ना बेस को अंडरस्टैंड किया करें, उसके बैकग्राउंड को पढ़ा करें, उसके ओरिजिन को देखा करें कि क्या सरकमस्टेंसेस थे, क्या वजह थी, क्या ज़रूरत थी कि ये जो है लॉ बना है। तो इसलिए हमेशा किसी भी लॉ को शुरू करने से पहले उसकी बेस को लाजमी आपने अंडरस्टैंड करना है। देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जहाँ तक हम बात करें ना, तो यूके में जो सबसे पहले कोर्ट का सिस्टम आया है ना, ये 1066 में कोर्ट का सिस्टम यहाँ पे बन गया था। तो उसमें जो सबसे पहले अगर देखा जाए, किंग नॉर्मन द कंकरस था जिसने सबसे पहले जो है ना कोर्ट के सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद विलियम द कंकरर, इसने जो है कोर्ट का सेटअप बनाया और उसने उनको क्यूरिया रिजिस का नाम दिया, क्यूरिया रिजिस किंग्स कोर्ट, और उसने फिर अपने कुछ जजेस को अपॉइंट किया कि वो उन कोर्ट्स में किंग के बिहाफ पे डिसीजन करेंगे। अब ये जो जजेस थे, ये किंग के बिहाफ पे लोगों के डिस्प्यूट को सुनते थे और डिसीजन करते थे। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद किंग हेनरी टू, जिसका इरा जो है 1154 से 1189 तक है, इसने इन्हीं जजेस के लिए एक और चेंज किया। इसने रीजन्स को डिवाइड कर दिया, इसने डिफरेंट टेरिटरीज को डिवाइड करके उनको डिफरेंट सर्किट्स में कन्वर्ट कर दिया और हर एक सर्किट के लिए एक जज जो है वो अपॉइंट कर दिया और उन जजेस को उसने सर्किट जजेस का जो है वो नाम दिया। अब ये जजेस डिफरेंट रीजन्स में जाते थे और डिफरेंट रीजन्स इनके अंडर आता था और ये वहाँ पर डिफरेंट डिसीजन जो है वो करते होते थे। फिर उसके बाद ये सब जजेस जो हैं लंदन में वेस्ट मिनिस्टर में इनकी मीटिंग हुआ करती थी और उसमें ये जो अपने किए गए डिसीजंस थे उनको डिस्कस किया करते थे। अच्छा, इन जजेस ने जो डिसीजन करने होते थे ये वो वहाँ की कस्टम्स की बेस पे डिसीजन करते थे। उनकी उसमें कुछ कस्टम जो लोकल थी और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट्स पे ये डिसीजन किया करते थे। अब जब शुरू में जजेस ने डिसीजन करना शुरू किया तो मीटिंग के दौरान ये अपने डिसीजंस को एक दूसरे से शेयर करते थे। लाइक अगर हम फ़र्ज़ कर लें, हम कहते हैं जी एक हमारा लाहौर का सर्किट है, एक हमारा जो है वो गुजरांवाला का सर्किट है, तो अब ये जजेस जब आते थे तो ये अपने अपने डिस्प्यूट जो इन्होंने सॉल्व किए होते थे उनको डिस्कस करते थे। लाइक एक जज साहब अगर कहते हैं कि हमने आज थेफ्ट की मैंने ये पनिशमेंट दिया या थेफ्ट के लिए मैंने ये डिसीजन किया है, तो एक दूसरा जज जो है वो थेफ्ट के लिए जो डिसीजन करता था वो उसमें शेयर करता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया कि जो मोस्ट बेटर डिसीजन थे, वो डिसीजन जो अच्छे थे, इन्होंने उन डिसीजन को सारे सर्किट्स में, सारे जुरिसडिक्शन में कॉमन कर दिया। दे डिसाइडेड कि अब हम एक यूनिफॉर्म डिसीजन किया करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक जज साहब ने थेफ्ट के लिए एक डिसीजन दिया है तो अब दूसरे जज साहब जो हैं वो भी उसके लिए सेम डिसीजन ही करेंगे। तो इस तरह से फिर ये जो डिसीजन थे ये पूरे आप कह लीजिए कि यूके में जो था वो कॉमन हो गए और इसी को हमने कहा कि ये कॉमन लॉ बन गया। यानी अगर हम कॉमन लॉ को कहें तो कॉमन लॉ इस तरह से जनरेट हुआ, जो जजेस के डिसीजन थे उनको कॉमन कर दिया गया इंग्लैंड और वेल में, और फिर वो जो डिसीजन थे पूरे इंग्लैंड और वेल में कॉमन हो गए। इसका मतलब है कि जो कॉमन लॉ है ये बेसिकली जजेस का बनाया हुआ लॉ है, ये ह्यूमंस का बनाया हुआ लॉ है। जो जजेस के हमने डिसीजन किए उनको हमने जो है वो आगे जो है वो फिक्स कर दिया। अच्छा, अब जब कॉमन लॉ बन गया, अब कॉमन लॉ की बेस पे डिसीजन होना शुरू हो गए। अब क्योंकि इन्होंने इन डिसीजन को फिक्स कर दिया था तो हर जज को वो डिसीजन फॉलो करना पड़ता था। अब होता ये था कि
कॉमन लॉ जो रेमेडी ग्रांट करता था, जो रिलीफ देता था लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस थे। डैमेजेस मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा कोई और रेमेडी कॉमन लॉ में अवेलेबल नहीं थी। आप ये कह लीजिए कि कॉमन लॉ जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहा था वो बहुत कम था या बहुत लिमिटेड था। अच्छा, अब देखिए, और क्योंकि कॉमन लॉ जो था वो आप ये कह लीजिए कि वो बेस कर रहा था मैक्सिम, जैसे आपने सुना होगा, वेयर देर इज़ अ रेमेडी देर इज़ अ राइट। इसका मतलब अगर तो आपके पास उसकी कोई रेमेडी अवेलेबल है तो आपका राइट है, अदरवाइज आपको उससे रिलेटेड कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलने वाला। अच्छा, अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक है कॉमन लॉ और दूसरा है इक्विटी। असल में अगर मैं इसको कहूँ ना लॉ एंड जस्टिस, या इसको अगर आप कहें कि अदलो इंसाफ, तो हम असल में यहाँ पे जो बात करें वो अदलो इंसाफ की बात करें। थोड़ा सा मैं इसको भी ज़रा क्लियर कर दूँ कि अदलो इंसाफ में डिफरेंस क्या है। देखिए, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दो ख़वातीन आईं और एक बच्चे का डिस्प्यूट था। दोनों ख़वातीन का कहना था कि ये बच्चा जो है वो उसका है। अब जब कोई वहाँ पे सलूशन ही नहीं बन पा रहा था, तो हज़रत अली ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, अगर ये तुम दोनों का बच्चा है तो इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, दोनों को हाफ हाफ जो है ये मिल जाएगा। अब जो रियल मदर थी, जब उसने ये देखा तो उसने कहा कि ओके, ये बच्चा आप इसी औरत को दे दीजिए, ये मेरा बच्चा नहीं है, आप इसी को दे दीजिए। अब अगर देखा जाए कॉमन लॉ में, अगर हम बात अदल की करें, तो वो बच्चा दूसरी औरत को दे देना चाहिए था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने वो बच्चा उसी खातून को दिया जो ये कह रही थी कि ये बच्चा मेरा नहीं है। असल में रीज़न क्या थी कि क्योंकि वो रियल मदर थी और रियल मदर कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हो। वो डर गई, वो घबरा गई। अब देखिए, अगर वो बच्चा उस खातून को दे दिया जाता जो कि उसकी असल माँ नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो खातून खुद कह रही थी कि इसको दे दो, तो इसको हम अदल कहते हैं। लेकिन जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बच्चा इस मदर को दिया तो ये हो गया इंसाफ। ठीक है, यानी आप ऐसा कह लीजिए कि जो लॉ है उसके ऊपर जो है ना रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो बाउंड होता है उन चीज़ों को फॉलो करने के जो के उनके लिए लिख दी गई हैं, जो जो उनके ऊपर लिमिटेशन इम्पोज कर दी गई हैं। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अदल जो था ये लॉ की रिस्ट्रिक्शंस पे नहीं हुआ बल्कि फेयरनेस पे हुआ। सो हमारे पास एक वर्ड है फेयरनेस। फेयरनेस जो है वो एक्चुअली एक्विटी के लिए एक उसका बेसिक और फंडामेंटल जो है वो जैसे कह लीजिए कि एक उसकी उसका स्टेप है। ठीक है जी, आपने वो मैगजीन भी सुना होगा कि जस्टिस शुड नॉट बी डन, रादर जस्टिस शुड बी सीन। इंसाफ जो है वो होना नहीं चाहिए बल्कि नज़र आना चाहिए। तो अच्छा, अब हम बात कॉमन लॉ की कर रहे थे। अब कॉमन लॉ में ये बहुत बड़ा फ्लॉ था कि किसी भी शख्स को जो रिलीफ मिलता था वो सिर्फ डैमेजेस थे, डैमेजेस के अलावा उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता था। अब वो लोग जो एग्रीव्ड थे, जिनको कॉमन लॉ से रिलीफ नहीं था मिल रहा, उन्होंने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड टू राइट लेटर टू द किंग। उन्होंने किंग को लेटर लिखना शुरू किए, पिटीशंस जो है वो या एप्लीकेशन जो है वो देना शुरू कर दी, और फिर अगर किसी तरह से एक्सेस हो जाती थी किंग की तो किंग उस पर अपना एक डिसीजन दे देता था, क्योंकि अब किंग तो कॉमन लॉ उसके ऊपर जो था वो जैसे कह लीजिए वो उसका बाउंड नहीं है। अब किंग तो जो डिसीजन करता था वो अपनी मर्जी से करता था, तो इस तरह से लोगों को कुछ थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो गया। अब लोगों ने फिर किंग के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पिटीशंस अपनी लेके जाना शुरू कर दी, क्योंकि लोगों को कॉमन लॉ रिलीफ प्रोवाइड नहीं था करा। अच्छा, कॉमन लॉ और एक्विटी को मैं एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक पर्सन है सी, उसके लैंड पे एक पर्सन डी जो है वो कब्ज़ा कर लेता है। अब डी ने क्या किया, डी ने उसके उस लैंड पे एक कंस्ट्रक्शन कर दी। फॉर एग्जांपल, उसने 6 स्टोरी एक बिल्डिंग बना दी।
अब जब उनका डिस्प्यूट स्टार्ट होता है तो जो सी है वो ये प्रूव कर देता है कि ये लैंड उसका है। अच्छा, बट क्योंकि डी जो है उसके ऊपर एक सिक्स स्टोरी बिल्डिंग बना चुका है, अब वो ये कहता है कि मैं इसको जो इसका लैंड है, फॉर एग्जांपल अगर वो चार कनाल का लैंड है, तो मैं इसको कंपनसेशन देने के लिए प्रिपेयर हूँ, मैं इसको पैसे दे देता हूँ। अच्छा, अब देखिए कॉमन लॉ में अगर उस पर्सन को रिलीफ मिलता तो वो रिलीफ यही होता कि ठीक है, आपको आपकी जो जगह है उसकी जो कीमत है वो अदा कर दी जाती है, क्योंकि अब तो उस पर बिल्डिंग बन गई है और अब उस बिल्डिंग को गिराना मुश्किल है, आप अपने जो है वो इस जगह के पैसे ले लीजिए। ये तो कॉमन लॉ में रिलीफ उसे मिल रहा है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ तो ये होना चाहिए था कि अगर सी ने ये साबित कर दिया है कि ये जगह उसकी है, तो वो सिक्स स्टोरी बिल्डिंग गिराई जाती और उस प्लेस को, उस ग्राउंड को बिल्कुल प्लेन किया जाता, जिस तरह के वो एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट जब वो स्टार्ट हुआ था, जिस शेप में थी, जिस फेज में थी, जिस हालत में थी, उस हालत में सी को वापस मिलनी चाहिए थी। ठीक है, अब ये एक्विटी आपको प्रोवाइड करती है। एक्विटी में हम इसको कहते हैं रिसेशन, कि आपको उसी जगह पे लेकर आना पड़ता है कि जहाँ पे एक वो चीज़ जो थी वो मौजूद थी। तो अब देखिए ये है आपका इंसाफ। इंसाफ ही कहता है कि उस बिल्डिंग को गिराया जाए और सी को उसकी जो जगह है, उसकी जो ज़मीन है, उसी शेप में, उसी फॉर्म में, उसी फेज में दोबारा से मिले। लेकिन कॉमन लॉ क्या कहेगा, वो सी को सिर्फ प्रोवाइड करेगा डैमेजेस, वो सिर्फ उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। आई थिंक अब जब लोग आपको कॉमन लॉ और एक्विटी में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि कॉमन लॉ लोगों को रिलीफ प्रोवाइड नहीं था कर रहा। अब जब लोगों ने, जो अग्रीव लोग थे या जिनको इंसाफ जो है कॉमन लॉ प्रोवाइड नहीं था कर रहा, उन्होंने किंग को जो है ना वो लेटर लिखना शुरू कर दिए, पिटीशंस फाइल करना शुरू कर दी, एप्लीकेशन देना शुरू कर दी कि हमें जो है कॉमन लॉ में हमें रेमेडी नहीं मिली। अब किंग क्योंकि जो है उसके ऊपर तो कॉमन लॉ से वो बाउंड नहीं था ना, तो किंग क्या करता था, अपनी मर्जी से डिसीजन कर देता था जो उसको फेयर जो है वो वहाँ पे फील होता था। तो अब इस तरह से फिर किंग के पास जो था लोड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। अब बहुत सारे जो लोग थे जो कॉमन लॉ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो किंग को डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करते थे। अब किंग के पास जब बर्डन बढ़ जाता है, तो किंग क्या करता है, अपनी इस डिसीजन पावर को डेलीगेट कर देता है चांसलर को। अब चांसलर जो है, जिसको हम कीपर ऑफ किंग्स कॉन्शियंस भी कहते हैं, यानी ये चांसलर जो है वो किंग की मर्जी के मुताबिक फैसला करता है। अब चांसलर के पास ये पावर आ गई कि चांसलर जो था वो किसी भी डिस्प्यूट का डिसीजन विदाउट फॉलोइंग कॉमन लॉ, कॉमन लॉ को फॉलो किए बगैर, फेयरनेस की बेस पे, एक्विटी की बेस पे, जिसे कह ले कॉन्शियंस की बेस पे जो है वो डिसीजन कर सकता था। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा रिलीफ जो डिस्क्रिशनरी हो। अब चांसलर लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना शुरू हो गया, ऐसा रिलीफ जो उनको कॉमन लॉ प्रोवाइड नहीं था करा। यानी अब चांसलर ने, लॉर्ड चांसलर ने लोगों को इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इस तरह के रिलीफ देना शुरू कर दिए। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चांसलर के पास भी जो था वो वर्कलोड बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि चांसलर ने कोर्ट ऑफ चांसलरी बना दी, कोर्ट ऑफ चांसलरी बना दी कि जो लोग कॉमन लॉ से, जिनको जो है रिलीफ नहीं मिल रहा, वो चांसरी कोर्ट में आ जाएं और चांसरी कोर्ट जो है उनको जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करेगी। अब चांसरी कोर्ट जो थी वो अपने डिसीजन कॉमन लॉ की बेस पे नहीं करती थी, बल्कि एक्विटी की बेस पे करती थी, फेयरनेस की बेस पे करती थी। और इस तरह से लोगों को फिर डिफरेंट रिलीफ मिलना शुरू हो गए। अब देखिए जब ये रिलीफ लोगों को मिलना शुरू हो गए, तो जब 90, अब दो सिस्टम चल रहे थे यूके में, एक जो था वो कॉमन लॉ के रेफरेंस से था और दूसरा एक्विटी पे बेस कर रहा था, जो कि कोर्ट ऑफ चांसरी जो थी जिसको जो है वो लेके चलती थी। अच्छा, अब ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब 19th सेंचुरी आई, तो 19th सेंचुरी में उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों को ये जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक
डिफरेंट तरह से लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, तो क्यों ना इन सब रिलीफ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक रिलीफ लोगों को दिए जा रहे हैं, इनको कोडिफाई कर दिया जाए, इनको एक प्रॉपर बुकलेट की फॉर्म में, एक एक्ट की फॉर्म में, एक लॉ की फॉर्म में क्यों ना डिसाइड कर दिया जाए। तो फिर ये सारे जो रिलीफ लोगों को मिल रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस या एक्विटी, इनको कोडिफाई कर दिया गया, इनको एक एक्ट की फॉर्म में बना दिया गया, और इस तरह से आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बन गया। ठीक है जी। 1877 में इसको हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का नाम दिया, और ये इंग्लैंड और वेल्स में इन्फोर्स हो गया। इस तरह से आपका जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो बना है। तो जी, आज हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मैंने आपको ओरिजिन बताया, इसका बेस बताया कि अब जो हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी या ये क्यों बना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कंटेंट को स्टडी करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसमें कौन से सेक्शन है और इसका जो कंटेंट है वो किस तरह से हमें जो है वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसको पढ़ेंगे। अपना अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।